गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैंने आपको हिंदी ग्रामर में वाक्य कराया था, पार्ट चार। वाक्य सेंटेंस बताए थे कि क्या होते हैं, वाक्य के सही शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं, सब मैंने आपको बताया था। आज मैं उसके कुछ अभ्यास कार्य आपको करा रही हूँ। पहला है सही उत्तर के सामने चिन्ह लगाइए। तो शब्दों के सही मेल से बनता है पहला, इसमें शब्दों के सही मेल से बनता है। इसमें आपको तीन ऑप्शन दे रखे हैं, शब्द, मात्रा और वाक्य। तो आप वाक्य में टिक लगाएंगे। दूसरा है वाक्य का अर्थ। तो तीनों, इसमें भी आपको तीन ऑप्शन दे रखे हैं, पहला है नहीं होता है, दूसरा होता है और फिर होता है शब्द है। तो आपको होता है में टिक लगाना है। चित्र देखकर वाक्य बनाइए। इसमें आपको चित्र दे रहा है, इससे आपको वाक्य बनाना है। जैसे देखो, यहाँ पे एक लड़की है जिसका नाम राधा है। इसमें नाम दे दिया है, बाकी आपको बताना है कि वो कर क्या रही है। तो राधा फूलों में पानी रही है। उसके बाद दूसरी पिक्चर है, इसमें एक लड़का नहा रहा है। इसमें उसका नाम मोहित है। तो मोहित क्या कर रहा है, मोहित नहा रहा है। तो इस तरह आपको क्या करने हैं, चित्र देखकर आपको वाक्य बनाने हैं। देखो तीसरी पिक्चर है, इसमें माँ की, इसमें माँ क्या कर रही हैं, खाना बना रही हैं, ठीक है। उसके बाद एक लड़का की, एक लड़के की पिक्चर है जो कि क्या कर रहा है, सफाई कर रहा है। तो इसमें लड़का सफाई कर रहा है। उसके बाद देखो भाग गांव में क्या किया है कि नीचे दिए गए शब्दों को सही जगह पर रखकर वाक्य बनाइए। तो इसमें लिखा है आगरा महल ताज में, तो ताजमहल आगरा में है, इसको हमें सही करके लिखना है। है गुलाब यह फूल का, तो ये क्या आएगा कि यह फूल गुलाब का है। उसके बाद है आम, सॉरी बहुत आम है मीठा, तो इसमें क्या आएगा, आम बहुत मीठा है। उसके बाद है मोर पक्षी है राष्ट्रीय, तो मोर राष्ट्रीय पक्षी है। उसके बाद जाता हूँ मैं विद्यालय, तो मैं विद्यालय जाता हूँ। फिर उसके बाद है चिड़िया रही उड़, तो इसका मतलब है चिड़िया उड़ रही है, ये इसका सही वाक्य है। तो अब हमें करना क्या है कि जितने भी आज मैंने आपको काम कराए हैं वो आपको अपनी हिंदी व्याकरण के कॉपी में करना है। इंग्लिश ग्रामर में मैंने आपको सिंगुलर एंड प्लूरल करवाए हैं, मीन्स वन और मैनी करवाए हैं। तो उसी की मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दूंगी। इसमें आपको क्या करना है, राइट द प्लूरल्स ऑफ द गिवन नाउन। ये आपको नाउन दे रखे हैं कुछ, तो उनके आपको प्लूरल लिखने हैं, ठीक है। देखो तो इसमें फर्स्ट दे रखा है चेयर, तो क्या हो सकता है इसका, चेयर्स। सेकेंड है डे, तो इसका डेज। थर्ड है ब्रश, तो ब्रशेस। उसके बाद सिटी, सिटीज। पोटैटो, पोटैटोज। माउस, माइस। डायरी, डायरीज। चाइल्ड, चिल्ड्रेन। ब्रांच, ब्रांचेस। वुमेन, वुमेन, ठीक है। ये जो वुमेन हम बोलते हैं वो एक मतलब डब्ल्यू ओ एम ए एन हो जाता है, और जब हम ज़्यादा का उसका प्लूरल बनाते हैं तो डब्ल्यू ओ एम ई एन हो जाता है, ठीक है। ये कुछ तो मैंने कर दिए हैं। अब ये जो मैं आपको ये वाले दे रही हूँ, मैंने फिल करे नहीं हैं, तो इसका मतलब ये है कि इन्हें फिल आपको करनी है, ठीक है। इन्हें आप करेंगे, किस तरह करेंगे, जैसे अभी आपने ये सब किए उसी तरह इसका भी प्लूरल आपको लिखना है। जैसे काफ है, तो उसका क्या होता है बताओ, क्या होगा, एस लग जाएगा इसमें भी, ठीक है। उसके बाद बैल, बैल्स। बॉय, बॉयज़। ऑक्स, इसी तरह आपको प्लूरल बनाना है इसका। ऑक्स का ऑक्सेस। गर्ल, गर्ल्स। ट्री, ट्रीज। बेंच, बेंचेस। टेबल, टेबल्स। फुट, फीट। फिश, फिशेस। थीव्स, न्यूज़। न्यूज़ का क्या होगा, इसमें एन ई डब्ल्यू एस ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है, तो ये न्यूज़ ही होगा इसका। तो बफेलो, बफेलोस। बेबी, बेबी। शू, शूज। स्टोरी, स्टोरीज, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है इंग्लिश ग्रामर में, आज आपको ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है अपनी, ठीक है। तो ये आपका इंग्लिश का होमवर्क है। जीके में हम चैप्टर 11 करेंगे आज, फन विद वर्ड्स। फर्स्ट में ऐड अ लेटर बिफोर और आफ्टर दीज वर्ड्स टू मेक न्यू वर्ड्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू, ओके। मैं आपको क्या करना है, लेटर के पहले और लेटर के बाद में कुछ वर्ड्स ऐसे ज्वाइन करने जिससे न्यू वर्ड बने, ठीक है। एक आपके लिए फर्स्ट वाले में कर देंगे, तो पहले हम पार्ट ए करेंगे जिसमें ऐड अ लेटर बिफोर, जिसमें हमें पहले लेटर को ऐड करना है। तो इसमें लिखा ए पी ऐप, तो हमने उसमें इसमें टी जोड़ दिया तो बन गया टैप, न्यू वर्ड बन गया।